अल्मोड़ा अश्वासकीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अश्वासकीय विद्यालय के प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के 6 पदों में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। वहीं साक्षात्कार के दौरान गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जो हमारे सर लोग हैं जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इनका ये कह रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ना जिला शिक्षा अधिकारी है ना उनका ऑर्डर है, और उन्होंने इनको नोटिफिकेशन भी किया है, तो लेकिन फिर भी ये यहाँ पे नियुक्तियाँ कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। धांधली के हिसाब से अगर ये कार्य करेंगे हम इसको होने नहीं देंगे, और क्योंकि ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो फॉर्म अभी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं तो वो इनको कैंसिल करना ही पड़ेगा, और हो सकता है और इनको ये पोस्ट भी कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है और इनके पूरे मैनेजमेंट की लापरवाही है, और हम चाहेंगे कि इनको यहाँ से अब जो मैनेजमेंट है इनको भंग किया जाए, और जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई चाहेंगे। लेकिन तकरीबन 150 लोगों के शायद फॉर्म यहाँ आए थे, जिसमें से इन लोगों ने टॉप 10 सेलेक्ट कर रखे हैं बोल रहे हैं, जिसमें से 21 लोगों के इन लोगों का हम अभी रजिस्टर देख के आ रहे हैं, तो 21 लोगों को ही उन्होंने लोगों ने आवेदन भेज रहा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं बेरोजगार हूँ, मैं अभी इस चीज का आंदोलन कर रही हूँ, यह स्कूल के अंदर जो भी धांधलेबाजी चल रही है उसका मैं रोक सकूँ, और जो इसके लिए एलिजिबल है कैपेबल रखते हैं उन लोगों को वैल्यू दी जाए। ये सबसे पहली बात तो मैं एक क्लियर करना मांग रहा हूँ कि किसी तरीके की धांधली नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही इंटरव्यू हो रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी कंप्लायंस हमें बहुत जल्दी कोर्ट में देनी है। जिस तरीके के जो हमारे अभ्यर्थी आए थे उनको इसकी सूचना से अवगत कर दिया जाएगा। आज कल के जो इंटरव्यू है वो पोस्टपोन कर दिया गया, और जो भविष्य का जो भी योजना होगी वो सबको सूचित कर दिया।